रोहतास जिले में सरकारी स्कूल की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। खराब व्यवस्था शिक्षा के अधिकार कानून को ठेंगा दिखाती है। रोहतास जिला के किसी विद्यालय में स्वीपर और चपरासी की व्यवस्था नहीं की गई है। स्थिति ये है कि जिले के सैकड़ों विद्यालयों में साफ सफाई तथा अन्य कार्य छात्रों के भरोसे हैं। आप जब सुबह सुबह किसी विद्यालय की तरफ से गुजरेंगे तो बच्चे विद्यालय में झाड़ू लगाते नजर आ जाएंगे। बच्चों के स्कूल में झाड़ू लगाता हुआ ये दृश्य राजकीय मध्य विद्यालय रुंगटा चौखंडी पथ का है। ये नजारा किसी स्वच्छता अभियान का नहीं है। सप्ताह के 6 दिन इन बच्चों को विद्यालय में इसी तरह झाड़ू लगाना होता है। पूरे परिसर की सफाई करनी होती है, तब जाकर पठन पाठन शुरू होता है। विद्यालय की हेडमास्टर कहती हैं कि बच्चे झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रेमचंद बच्चों द्वारा कचरा उठाने झाड़ू लगाने को सामान्य बात मानते हैं। झाड़ू मारने के जहाँ तक सवाल है तो साफ सफाई मिलजुल कर सभी लोग करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इस मामले में, क्योंकि स्वीपर की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं होती है। तो ये अपने विद्यालय को सफाई करना, साफ करना, इसमें कहीं कोई शर्मिंदगी और नहीं कोई परेशानी।